दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की पिछली वीडियोस में हमने देखा कि नगरीय सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारत के भूमि पर ग्रामीण वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। वैदिक सभ्यता के इस शुरुआती दौर में परिवार समाज की सबसे छोटी तो जन समाज की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, लेकिन समय के साथ साथ वैदिक सभ्यता के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में बदलाव होते गए। लोहे की खोज ने आर्थिक विकास के नए रास्ते खोले। अधिशेष उत्पाद ने सामाजिक जीवन का स्तर ऊंचा किया, जिस कारण भारत में द्वितीय नगरीकरण को शुरुआत हो गई। जनसंख्या में आई वृद्धि और राजा के बढ़ते प्रभाव ने प्रशासनिक इकाइयों के स्वरूप में कुछ ऐसा बदलाव किया कि ऋग्वेदिक काल के जन जो उत्तर वैदिक काल में बड़े होकर जनपद बन गए थे, वो वैदिक काल के समाप्ति के समय और बड़े होकर महाजनपद बन गए। महाजनपदों के निर्माण और पतन के इस कहानी में आज हम ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 4थी शताब्दी के मध्य तक भारतीय भूमि पर अस्तित्व में रहे महाजनपदों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी अर्थात वैदिक सभ्यता के समाप्ति का समय। ये प्राचीन भारत के इतिहास का वो समय था जब समाज धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े ही उथल पुथल भरे माहौल से गुजर रहा था। सनातन संस्कृति में पनप रही कठोर वर्ण व्यवस्था तथा विधियों में कर्म कांडों के बढ़ते प्रभाव से त्रस्त होकर लोग अब बौद्ध तथा जैन विचारधारा की तरफ आकर्षित होने लगे थे। इधर शक्तिशाली बन चुके राजा अपने साम्राज्य को बड़े से और बड़ा करने में लगे हुए थे, जिससे छोटे छोटे जनपदों का आपस में विलय होकर अब महाजनपदों का निर्माण हो रहा था। महाजनपदों के संदर्भ में ज्यादातर जानकारी हमें इस काल में लिखे गए बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ तथा भगवती सूत्र नामक जैन ग्रंथ से हमें स्पष्ट रूप से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ इन ग्रंथों से हमें उन महाजनपदों के क्षेत्र तथा उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल के समाप्ति के वक्त वर्तमान भारत का बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र महाजनपदों के विस्तार का मुख्य केंद्र बन चुका था। यहाँ की उपजाऊ भूमि और विपुल लोह उत्पादन के चलते ज्यादातर महाजनपदों का विस्तार हमें इसी क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। वर्तमान मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत में हमें क्रमशः एक एक महाजनपद दिखाई देते हैं, तो वर्तमान भारत के बाहर हमें दो महाजनपद दिखाई देते हैं। इनमें से अधिकांश महाजनपदों में हमें राजतंत्र की व्यवस्था ही दिखाई देती है, लेकिन कुछ महाजनपदों में हमें गणतंत्र व्यवस्था भी दिखाई देती है। तो आइए अब हम एक एक करके सभी महाजनपदों की विस्तृत जानकारी समझने की कोशिश करते हैं। मगध प्राचीन भारत के सबसे समृद्ध और सबसे प्रमुख महाजनपदों में से एक था। ये राज्य उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। वर्तमान में ये क्षेत्र बिहार के दक्षिण में पटना से गया के बीच दिखाई पड़ता है। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, लेकिन कालांतर में वो पाटलिपुत्र में स्थापित हो गई। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बृहद्रथ मगध के सबसे पहले ज्ञात शासक थे। उनके बाद जरासंध भी यहाँ के एक प्रतिष्ठित शासक रहे थे। बाद में राजा बिंबिसार के शासनकाल में मगध का काफी विकास हुआ। मगध के माध्यम से एक महान भारतीय साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन का अधिकांश समय मगध में ही बिताया, इसीलिए बौद्ध धर्म में इस क्षेत्र को विशेष महत्व प्राप्त है। अंग महाजनपद की सीमा अपने प्रतिद्वंद्वी मगध महाजनपद की सीमा से चंपा नदी के माध्यम से अलग हुई थी। चंपा नदी
दोनों राज्यों के लिए मुख्य जल स्रोत के रूप में कार्य करती थी। ये राज्य वर्तमान बिहार के भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में स्थित था। इसके राजधानी का नाम भी चंपा ही था। सर्वप्रथम अथर्ववेद और बाद में महाभारत में भी अंगराज्य का वर्णन हमें मिलता है। शुरू में अंगराज्य एक सामान्य राज्य था, लेकिन बाद में वो व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया, जिससे पड़ोसी राज्यों के व्यापारी इसकी तरफ आकर्षित हुए। अंत में मगध के राजा बिंबिसार द्वारा अंगराज्य पर विजय प्राप्त करके उसे मगध में विलीन करवाया गया। वज्जी संघ मूल रूप से 8 जनपदों को मिलाकर बना हुआ एक गणतांत्रिक महाजनपद था। इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। इसके 8 जनपदों में लिच्छवी नामक जनपद में सबसे प्राचीन गणतंत्र था और वैशाली लिच्छवी की ही राजधानी थी, जो बाद में समूचे वज्जी संघ की राजधानी बनी। ये क्षेत्र गंगा नदी के उत्तर में स्थित था और पश्चिम में गंडकी नदी से घिरा हुआ था। गंडकी नदी ने वज्जी संघ को मल्ल और कोसल से अलग किया हुआ था। वर्तमान में ये क्षेत्र उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। राजधानी वैशाली के अलावा वज्जी संघ में हाथीगामा, भोगानगर और कुंडापुरा जैसे लोकप्रिय प्राचीन शहरों का वर्णन पाया जाता है। प्राचीन काशी महाजनपद उत्तर में वरुणा नदी और दक्षिण में असी नदी से घिरा हुआ था। वाराणसी इसके राजधानी का शहर था। वर्तमान काल में काशी उत्तर प्रदेश के उसी भाग में स्थित है जहां पर प्राचीन काल में हुआ करता था। गौतम बुद्ध के समय से पहले काशी एक शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था, जिसका कौशल, मगध और अंग महाजनपदों के साथ लगातार संघर्ष जारी रहता था। इसकी पुष्टि हमें 5वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री फायान के यात्रा विवरण से प्राप्त होती है। कौशल महाजनपद मगध महाजनपद के करीब ही स्थित था। इसकी सीमाएं दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में गंडक नदी और उत्तर में हिमालय पर्वत से बंधी हुई थी। कौशल उत्तर और दक्षिण इन दो भागों में बटा होने के कारण दक्षिण की राजधानी श्रावस्ती और उत्तर की राजधानी साकेत का हुआ करती थी, लेकिन मुख्य रूप से श्रावस्ती ही कौशल की राजधानी थी। वर्तमान में ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। बुद्ध और महावीर के समय कौशल राज्य पर राजा प्रसेनजीत का शासन था। कौशल एक शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन अंततः उसका भी मगध में ही विलय हो गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देवरिया क्षेत्र प्राचीन काल में मल्ल महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। इसकी राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर वही स्थान था जहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वज्जी संघ की तरह ही मल्ल भी एक लोकतांत्रिक राज्य था। यहां के कुशीनारा और पावा इन प्राचीन शहरों को आज भी जैन और बौद्धों द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान महावीर ने अपना अंतिम भोजन कुशीनारा में तो भगवान गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में किया था। वत्स या वामा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या कहे प्रयाग के पास स्थित था। यह एक राजतंत्रीय महाजनपद था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी को 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा उदयन द्वारा बसाया गया था। हालांकि राजा उदयन ने शुरू में बुद्ध की शिक्षाओं का विरोध किया, लेकिन बाद में वे खुद बुद्ध के अनुयायी बने और बौद्ध धर्म को कौशाम्बी का राजधर्म भी बना दिया। वत्स की राजधानी कौशाम्बी ने कई धनी व्यापारियों को अपनी तरफ आकर्षित किया, जिससे कौशाम्बी दक्षिण और उत्तर पश्चिम से आने जाने वाले यात्रियों और सामानों का प्रमुख केंद्र बन गया। कुरु महाजनपद वर्तमान दिल्ली के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसके राजधानी का शहर इंद्रप्रस्थ अर्थात आज का दिल्ली ही था। वास्तव में कुरु और कौरवों से जुड़ी घटनाओं का वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। उसी तरह
ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें कुरु राज्य और वहां के राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। गंगा नदी और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पांचाल राज्य कुरु राज्य के पूर्व में स्थित था। इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, जो वर्तमान में बरेली क्षेत्र का हिस्सा है। प्राचीन काल में पांचाल दो भागों में बटा हुआ था, जिन्हें दक्षिण पांचाल और उत्तर पांचाल के रूप में देखा जाता था। शुरू में पांचाल भी एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन बाद में मौर्य और गुप्त साम्राज्य द्वारा उसका अंत करवा दिया गया। सुरसेन या कहे शूरसेन महाजनपद यमुना नदी के पश्चिम में और मत्स्य राज्य के पूर्व में स्थित था। यहाँ की राजधानी मथुरा थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ के राजा सूरसेना ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में सूरसेन के फलते फूलते साम्राज्य का भी मगध साम्राज्य में विलय हो गया। चेदी राज्य का वर्णन हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। यहाँ का शिशुपाल नामक राजा मगध और कुरु राजाओं का सहयोगी हुआ करता था। इसके राजधानी का शहर था सुक्तिमती। हालांकि सुक्तिमती के सही स्थान का पता अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मतानुसार उत्तर प्रदेश में वर्तमान बांदा के आसपास ही सुक्तिमती स्थापित हो सकती है। अवंती महाजनपद को कौशल, मगध और वत्स के साथ साथ चौथे महान राज्य के रूप में देखा जाता था। वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित अवंती राज्य नर्मदा नदी की वजह से दो भागों में विभाजित था, जिसमें से उत्तर अवंती की राजधानी थी उज्जैन तो दक्षिण अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। अवंती बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र था। मगध राजा शिशुनाग ने नंदीवर्धन को हराने के बाद अवंती भी मगध का हिस्सा बन गई। मत्स्य महाजनपद कुरु साम्राज्य के दक्षिण में और यमुना नदी के पश्चिम में वर्तमान राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी का शहर था विराट नगर। यद्यपि विभिन्न बौद्ध ग्रंथों में मत्स्य को एक महाजनपद के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन बुद्ध के समय तक इसकी राजनीतिक शक्ति बहुत ही कम हो चुकी थी। अस्मक महाजनपद एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिणी भारत में स्थित था। इसकी राजधानी के शहर का नाम था पोतन या पोटली, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में दिखाई पड़ता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें अस्मक महाजनपद का वर्णन देखने को मिलता है। वर्तमान भारत से बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित प्राचीन कंबोज महाजनपद हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर स्थित था। इसकी राजधानी का शहर था राजपुर, जो हाटक के नाम से भी जाना जाता था। अपने आप को दक्षिण दिशा में स्थापित करने के लिए कंबोज के वंशजों ने पर्वत श्रृंखला को पार किया था। सम्राट अशोक के काल के ग्रंथों में तथा अन्य कुछ भारतीय ग्रंथों में भी हमें कंबोज राज्य का वर्णन देखने को मिलता है। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित गांधार महाजनपद शिक्षा एवं विद्वानों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। इस महान साम्राज्य की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, जो वैश्विक स्तर पर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र थी। दुनिया भर से विद्वान तक्षशिला विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने 16 महाजनपदों के माध्यम से इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप पर बनी राजनीतिक परिस्थिति को समझा। जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बने इन शक्तियों के बीच अपने अस्तित्व और विस्तार की लड़ाई में और आगे क्या क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगले अर्थात मगध के उत्कर्ष से जुड़े वीडियो में विस्तार से करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।